उधर अमेरिका से आई ट्रंप की जीत की खबर, इधर इंडिया गठबंधन में मच गई भगदड़। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बेचैन हो गया पूरा इंडिया गठबंधन, तो मोदी योगी के लिए खुशी का आया मौका। क्या राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव और क्या ही हैदराबाद वाले भाईजान ओवैसी। अमेरिका के चुनाव नतीजे देखकर उड़ गए सबके तोते। आखिर क्यों ट्रंप की जीत पर परेशान हो रहे हैं मुसलमान और खुशी से नाच रहे हैं हिंदू। जी, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री की भारत में खूब चर्चा होती थी। खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव जैसे लोगों को ये पच नहीं रहा था कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति की दोस्ती हमारे प्रधानमंत्री से इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। इस पर ये नेता खूब तंज कसते थे, लेकिन जैसे ही ट्रंप की एक बार फिर से जीत हुई है, ये सारे नेता गायब हो गए हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति बन गए हैं। ऐसे में भारत में इन नेताओं की आगे की रणनीति क्या होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें, पीएम मोदी सहित कई भारतीय नेताओं ने ट्रंप की जीत पर बधाई दी है, लेकिन राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, ओवैसी जैसे नेताओं का कोई रिएक्शन नहीं आया। ऐसा लग रहा है इन्हें सांप सूंघ गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ओवैसी को लोग खोजने लगे हैं। आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के पक्षधर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे पार्टियों के नेताओं को मिर्ची लग सकती है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप की जीत से आखिरकार भारतीय क्यों गदगद। दरअसल पूरा देश जानता है कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी बनती है। खासकर ट्रंप के पहले कार्यकाल में जब भी मोदी और ट्रंप की मुलाकात होती थी तो राहुल गांधी खूब तंज कसते थे। राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के आलोचक रहे हैं, लेकिन ओवैसी, अखिलेश और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को ट्रंप की जीत से अब मायूसी हाथ लग सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उपचुनाव में भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। भारतीय हिंदू जहां ट्रंप की जीत से खुश नजर आ रहे हैं, वहीं मुस्लिम और मुस्लिमों की राजनीति करने वाली पार्टियों को बहुत गहरा सदमा लगा है। उनको समझ नहीं आ रहा, करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। पीछे से लोग बोलते हैं, वाह मोदी जी वाह। अब आपको बताते हैं भारतीय नेताओं की ट्रंप को लेकर क्या सोच है। दरअसल ट्रंप ने बहुमत का जादुई आंकड़ा 270 पार कर लिया है। अब उन्हें 277 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। वहीं डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस, जो चुनाव पूर्व सर्वे में बराबर टक्कर दे रही थी, वो 4% कम वोट मिलने के बाद मुकाबले में कहीं नहीं टिक पाई। हैरिस को 214 इलेक्टोरल वोट ही मिले। ट्रंप ने इस ऐतिहासिक जीत के बाद अमेरिकन्स को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हर दिन और आखिरी सांस तक आपके और आपके बच्चों के लिए काम करता रहूंगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्णकाल है, हम सब मिलकर अमेरिका को एक बार फिर से महान देश बनाएंगे। आपको बता दें, जहां डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद अमेरिका को महान बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं भारत में कुछ ऐसे भी दल हैं जो हर समय तोड़ने और बांटने की राजनीति करते रहते हैं। वोट बैंक की खातिर ये दल देश की प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा देते हैं। देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति कर कुछ दल सत्ता पाते हैं और फिर विशेष धर्म की बात करना शुरू कर देते हैं। अमेरिकी चुनाव में भारतीय अमेरिकी मतदाताओं ने दिखा दिया है कि वो वाकई में ट्रंप के हाथ अमेरिका सुरक्षित है। कमला हैरिस के भारतीय होने के बाद भी भारतीय मतदाता रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को वोट कर रहे हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले बेगूसराय के शेख रम कहते हैं कि हाँ, अमूमन भारतीय डेमोक्रेट को ही वोट करते हैं, लेकिन इस बार मामला पलट गया है। डेमोक्रेट का अमेरिका में मतलब है कांग्रेस और रिपब्लिकन को लोग बीजेपी मानते हैं। ऐसे में इस बार का मामला पूरी तरीके से पलट गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में और किन के नेताओं को मिर्ची लगती है।